हेलो गाइस, तो स्वागत है आपको फिर से इस मेरी न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक के पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हैं। मान लो कि आप बहुत दिन बाद कहीं अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हो और आपको पता चलता है कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप इस सिचुएशन में करोगे क्या? ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप इस वीडियो को फुल वॉच करना है शुरू से लेकर एंड तक बिना ही स्किप किए हुए। और हमारा जो एम है, इस चैनल का जो एम है, आपको लाइफ को सिंपल और इजी बनाना है। इसीलिए हम हर सिचुएशन को 3 मिनट, हर फेसबुक सिचुएशन को हम 3 मिनट में सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लाइफ को सिंपल और इजी बनाना है। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दो चीज़ करना है। पहले तो वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें इससे पता चलता है कि हमारी वीडियो किन किन लोगों को पसंद आ रही है। और सेकेंड काम है आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, कि हमारी हर घंटे घंटे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन करना है। जैसे ही आप फेसबुक ओपन करोगे तो आपके साथ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपको 3 डॉट पे जाना है। सबसे पहले 3 डॉट पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हो यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको सेटिंग पे टैप करना है। आप सेटिंग में जैसे टैप करोगे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे टैप करने के बाद आपका थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद फिर इस टाइप का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो चेंज पासवर्ड है। चेंज पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ सकता है अपडेट पासवर्ड का। ये पासवर्ड हम नहीं डाल सकते क्योंकि अपना करेंट पासवर्ड मालूम नहीं है ना, हम पासवर्ड भूल चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे में फॉरगेट का ऑप्शन है। यहाँ देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको आएगा कि जीमेल पे ओटीपी भेजना है या सिम पे ओटीपी भेजना है। तो मैं सिम पे ओटीपी भेजूंगा। आप लोग जीमेल, आपके पास जीमेल है तो जीमेल पे भी ओटीपी भेज सकते हो। मेरे पास सिम है इसलिए मैं सिम पे ओटीपी भेज रहा हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कैप्चा है जो आपको यहाँ पे डालना है। देख सकते हैं, देखिए तो क्या क्या लिखा को फिलअप कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके सिम पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। देख सकते हो थोड़ा सा लेट लगेगा बट वो आएगा। सो वेट करते हैं ओटीपी का हम लोग। देख सकते हो उसके बाद आपको पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अपडेट पासवर्ड करोगे। अपडेट पासवर्ड करने के बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उस पर देख सकते हो यहाँ रिव्यू अदर डिवाइस एंड स्टे लॉगिन। यहाँ में से आपको स्टे लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टेट लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज हो सकता है और आप जो पासवर्ड रखे थे वहाँ पे वही पासवर्ड यहाँ आपका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।